कोरोना पर खर्च होने वाले अरबों रुपए कहां जा रहे हैं? 500 अरब रुपए कोरोना पेशेंट्स पर खर्च हो तो हर मरीज करोड़पति हो जाएगा। सवाल किया गया है कि आखिर ये सारा पैसा कहां गया है और कहां जा रहा है? मेहरबानी, शुक्रिया। देखिए जी, ये जहाँ तक ये पैसा लगाया गया, आपको पता है कि एनडीएमए ने कितने जहाज भर कर इक्विपमेंट, वेदर वो वेंटिलेटर हो गया या ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया या बाकी ये जितने चीजें हैं वो इम्पोर्ट की है। बेशक इसके अंदर ये है कि कोरोना की डिजीज के लिए ट्रीटमेंट जो है ना बड़ा लिमिटेड है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब आपने या तो क्लोरोक्विन पर कोई चला जाता है, कोई एजिथ्रोसिन मेडिसिन उस पर आ जाता है या पैरासिटामोल यूज करते हैं, इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन इसकी प्रिवेंशन के लिए और आइसोलेशन के लिए, अपने डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पीपीईज है वो उसका प्रोटेक्शन करना है। आपने जब स्टार्ट किया, आपके पास पाकिस्तान भर में 400-500 वेंटिलेटर था, अब आपका बैकअप पे 4000 वेंटिलेटर आ गया, तो ये सारा कुछ खर्चा हो गया। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात आई, ये पाकिस्तान में पेंडेमिक नहीं, खैर एपिडेमिक कहेंगे, पाकिस्तान में पेंडेमिक की दुनिया भरे, पाकिस्तान में एपिडेमिक ये नहीं नजर आ रही, जगह क्यों नहीं आई? आपको फिगर मैं देता हूँ, इस वक्त डेथ रेट यूएस के अंदर 91,000 यूएस में डेथ है, यूके में 34,000 डेथ है, इटली के अंदर 32,000 डेथ है, पाकिस्तान में 903 आज इस वक्त। तो आप क्या 903 पर आप समझते हैं कि पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, इस पर आप डिसीजन कर रहे हैं ना कि आप ड्रॉ लाइन कहां करते हैं? मतलब और नीचे मैं चला जाता हूँ, नेपाल के अंदर 2 है, लिबिया में 3 डेथ है, सीरिया में 3 डेथ है, हांगकॉन्ग में 4 डेथ है, तो आप ये कहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं?